सेंट्रल रेलवे के एक आलाधिकारी ने बताया है कि महकुमा रेलवे ने रियासत महाराष्ट्र में रेल सर्विस शुरू करने का फैसला लिया है। इसके लिए स्टेशन पर रिजर्वेशन काउंटर खोल दिए जाएंगे। इस तालुक से हुकूमत महाराष्ट्र के सेक्रेटरी बराए इमदाद व बाद आबादकारी और महकुमा ट्रांसपोर्ट के सेक्रेटरी आशीष कुमार सिंह को लेटर लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि अंदरून रियासत महाराष्ट्र रेल सर्विस शुरू होंगी और रिजर्वेशन करने वालों को ही सफर की इजाज़त होंगी। महकुमा रेल ने अभी इस बारे में गाइडलाइन जारी नहीं की है। महकुमा रेल का कहना है कि हुकूमत महाराष्ट्र ने मिशन बिगेन अगेन के तहत ई पास की शर्त ख़त्म कर दी है। बगैर किसी इजाज़त के एक ज़िले से दूसरे ज़िले में सफ़र की सहूलत दी गई है। इसीलिए महकुमा रेल ने अंदरून रियासत रेल सर्विस शुरू करने का फैसला लिया है। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तयाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रूफ राइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़, और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।